इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री कोरोना वायरस की अफवाहों से जबोहाली का शिकार। इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री पोल्ट्री गोश्त और अंडों में कोरोना वायरस की मौजूदगी की अफवाहों की वजह से तबाही की धाने तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल में शदीद कमी देखने में आई है। नाजरीन, पिछले दो महीने में सिर्फ इंडियन तेलंगाना पोल्ट्री सेक्टर में 1,000 करोड़ इंडियन रुपीज का नुकसान देखने में आया है, जो कि सिर्फ इस अफवाह के नतीजे में देखने में आया है कि पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में कोरोना वायरस है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारी वेबसाइट www.poultrybubble.com पर जाकर पोल्ट्री बाबा फैमिली का हिस्सा बनें। 2019 जो कि पहले ही पोल्ट्री सेक्टर के हवाले से एशियन मार्केट में शदीद मंदी का शिकार देखने में आया है, इसके बाद तेलंगाना स्टेट जो कि इंडियन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का 5.52 शेयर रखती है और इंडिया में चौथे नंबर पर पोल्ट्री पॉपुलेशन में मानी जाती है। इंडियन पार्लियामेंट में स्टेट बजट पर गुफ्तगु करते हुए हेल्थ मिनिस्टर एटाला राजेंदर ने बताया कि सिर्फ तेलंगाना स्टेट में 1,000 करोड़ इंडियन रुपीज का नुकसान हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह अफवाहें फैलाई गई कि पोल्ट्री कोरोना वायरस का मौजिब है। हेल्थ मिनिस्टर ने ये भी बताया कि वो चूंकि खुद भी पोल्ट्री का काम करते हैं, उन्हें जाती तौर पर 10 करोड़ इंडियन रुपए का नुकसान हुआ है। तेलंगाना स्टेट में 24 लाख लोग पोल्ट्री सेक्टर से वाबस्ता हैं। पोल्ट्री गोश्त बेचने वाले दुकानदारों का ये भी कहना है कि पोल्ट्री गोश्त खरीदने में वाजे कमी आई है, हत्ता के होटल्स को ब्रॉयलर गोश्त की सप्लाई में भी वाजे कमी देखने में आ रही है। इंडियन दुकानों पर पिछले दिनों 80 रुपए किलोग्राम तक गोश्त की सेल देखने में आई, जो कि पोल्ट्री कारोबार करने वाले समझ सकते हैं कि इन रेट्स पर ब्रॉयलर का बिकना फार्मर्स ही नहीं बल्कि पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री की तबाही है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की सेल्स में ये जो स्लंप आया था, ये सिर्फ इस वजह से था कि सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत और झूठी अफवाहें फैलाई गईं कि पोल्ट्री कोरोना वायरस फैलाने में किरदार अदा करती है और इसकी वजह से कोरोना वायरस फैलता है। ये झूठी खबरें सोशल मीडिया पर जनवरी और फरवरी में बहुत वायरल हो गईं, हत्ता कि चाइना इन अफवाहों की वजह से लॉकडाउन हो गया। बाद में डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और गवर्नमेंट हेल्थ ऑफिशियल्स ने जब इन अफवाहों का पोल खोला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पोल्ट्री सेक्टर शदीद नुकसान का शिकार हो चुका था। इस वजह से इंडियन पोल्ट्री और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पोल्ट्री सेक्टर की बेहतरी के लिए कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम चलाना पड़ा, हत्ता के तेलंगाना हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इवेंट चिकन मेला ऑर्गेनाइज किया, जिसमें मुख्तलिफ मिनिस्टर ने स्टेज पर बैठकर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाई और कोरोना वायरस के इस डर और खौफ को खत्म किया। संजीव चंतावर जो कि नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि इन अफवाहों ने मुल्क की इस अहम सनत को तबाह करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि मैं 26 साल से पोल्ट्री का कारोबार कर रहा हूं और मैंने रेट में ऐसी गिरावट कभी नहीं देखी, हत्ता के 2015 के बर्ड फ्लू आउटब्रेक में भी इतना नुकसान नहीं हुआ जब फार्मर्स ने अपना चिकन 25 रुपए फी किलोग्राम तक बेचा था। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा आ गया था जब गोश्त की दुकानों पर गोश्त 80 और फिर 60 रुपए तक बिका और ब्रांडेड दुकानों पर स्किन के साथ 42 रुपए का किलो और स्किन के बगैर 50 रुपए किलो तक बिका है। इन अफवाहों ने पोल्ट्री सेक्टर को अधमुहा करके रख दिया है। फार्मर्स जो अपना फार्म गेट रेट 80 से 90 रुपए तक बेच रहे थे, उन्हें 5 से 10 रुपए किलो तक मजबूरन अपना बर्ड सेल करना पड़ा, जबकि इनकी प्रोडक्शन कास्ट 75 रुपए किलो तक है। कंज्यूमर्स ने चिकन खाना छोड़ दिया, हालांकि इस कोरोना वायरस का पोल्ट्री से कोई लेना देना नहीं। इन अफवाहों ने पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री की बुनियादों को हिला के रख दिया है। पिछले माह कोई बेहतरी देखने में तो नजर नहीं आई, लेकिन ऑफिशियल्स कहते हैं कि अप्रैल और मई में ये सूरत हाल पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएगी। इस नुकसान की वजह से यकीनन पोल्ट्री फार्मर्स पहले ही शदीद नुकसानात का शिकार हो चुके हैं, वो ना इस पोजीशन में हैं कि दोबारा से रिस्क लें और ना ही ऐसा करना चाहेंगे जिसकी वजह से मार्केट में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की शदीद किल्लत पैदा हो सकती है। सिर्फ तेलंगाना स्टेट में 1.5 महीने में 1,000 करोड़ इंडियन रुपीज का नुकसान हुआ है और पूरे इंडिया में 10,000 करोड़ इंडियन रुपीज की फिगर्स सुनने में आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में सिर्फ फरवरी में 350 करोड़ इंडियन रुपीज का नुकसान हुआ है। पोल्ट्री बाबा पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता है कि चूंकि पहले ही 2019 में पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री शदीद नुकसान का सामना कर चुकी है और इंडस्ट्री इस वक्त शदीद जबोहाली का शिकार है,
पोल्ट्री फार्मर्स और फीड मिलर्स निहायत मुश्किल से पहले ही अपने निजाम को चला रहे हैं। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फीड के रेट्स जो कि पोल्ट्री फार्मिंग कास्ट में 75% शेयर रखते हैं, अपनी तारीखी बुलंदियों को छू रहे हैं। 2019 के पूरे रिकॉर्ड को अगर देखें, चूजा फीड और तैयार प्रोडक्ट्स, अंडा और गोश्त, इसकी कीमतों में जितनी तेजी से अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, ऐसे मदोजजर को कभी भी एक नॉर्मल इकोनॉमी नहीं कहा जा सकता। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में मोईशत पहले ही शदीद बहरानात का शिकार है, डॉलर का रेट बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, दुनिया की भी स्टॉक एक्सचेंजेस क्रैश हो रही है, सऊदी अरब, रशिया और अमेरिका में ऑयल की पैदावार पर सर्द जंग शुरू हो चुकी है और ऑयल की फी बैरल रेट्स में तारीखी कमी देखने में आई है। सऊदी वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 25 से 26 डॉलर फी बैरल ऑयल बेचने का इंदिया दे चुके हैं और पाकिस्तान में 20-25% पोल्ट्री फार्म्स पहले ही बंद हो चुके हैं। ऐसे वक्त में अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया तो इसके असरात पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री और हुकूमत वक्त के लिए तबाहकुन होंगे। एक ऐसा आतिशफिशां होगा कि जो बहुत तबाही ला सकता है। ऐसे वक्त में यकीनन किसी भी अफवाह के फैलने से पहले पोल्ट्री इंडस्ट्री के ऑफिशियल्स और वजारत सेहत को फौरन से पहले ऐसे इकदाम जरूर कर लेने चाहिए कि जिनसे हर चैलेंज से निपटना आसान हो सके। एक भरपूर कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम के जिसमें पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की अहमियत, अफादियत और सेफ फॉर हेल्थ को प्रमोट किया जाए, ये वक्त की नागुजीर जरूरत है। पोल्ट्री इंडस्ट्री के तमाम वेटरनरी डॉक्टर से गुजारिश है कि आगे आएं और अपनी तमाम काबिलियतों को बरूए कार लाएं और ऑडियो वीडियो की शक्ल में अपना किरदार अदा करें। पोल्ट्री इंडस्ट्री किसी भी तरह से किसी नए चैलेंज का सामना करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पोल्ट्री बाबा का प्लेटफॉर्म इस मकसद के लिए पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए हाजिर है। पोल्ट्री बाबा इस हवाले से किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। आपसे गुजारिश है कि पोल्ट्री बाबा के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कंज्यूमर एजुकेशन के लिए लगाए जाने वाले मवाद को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि 22 करोड़ आवाम तक पोल्ट्री इंडस्ट्री की आवाज पहुंच सके। पोल्ट्री बोले तो पोल्ट्री बाबा।